हैदराबाद कांड के चारों आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर के बाद देश के हर हिस्से में खुशी की लहर है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और हैदराबाद पुलिस की इस कार्रवाई पर महिलाएं लड़कियां काफ़ी खुश हैं। हर तरफ पुलिस के द्वारा किए गए इस एनकाउंटर के चर्चे हो रहे हैं। ट्विटर पर हैदराबाद और सिंघम जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड हो रहे हैं। इस बीच पीड़िता के पिता ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर अपनी बेटी की आत्मा की शांति की बात कही। पूरे देश में पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देश की जनता एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है। हैदराबाद में जिस जगह पर आरोपियों का एनकाउंटर हुआ वहां भारी संख्या में लोग जमा हो गए और उन्होंने उस पुलिस कर्मियों पर फूलों की बारिश की। दरभंगा में भी इसका असर देखने को मिला। महिलाएं लड़कियां खासकर छात्र संगठनों में भी खुशी की लहर थी, जिन्होंने हैदराबाद गैंगरेप के मामले को लेकर के दोषियों के कार्रवाई की मांग लेकर सजा की मांग लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही थी, उनके समर्थन में सभा कर रही थी, कैंडल मार्च निकाल रही थी, उनमें आज खुशी की लहर देखने को मिली। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पकड़े गए आरोपियों के एनकाउंटर की खबर जैसे ही सोशल मीडिया टीवी चैनलों पर लोग देखे खुशी की लहर उनमें दौड़ गई। इस भीतन घटना को लेकर पूरे देश भर के लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। तेलंगाना पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कहा गया था कि पुलिस आरोपियों को घटना स्थल पर ले गई, जहां चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। मालूम रहे कि इस दरिंदगी और बर्बरतापूर्ण मामले में तेलंगाना सरकार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए महबूब नगर जिले में स्थित प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया गया था। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को अदालत में याचिका दाखिल कर आरोपियों की 10 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी। लगातार 3 दिनों तक अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में दिया गया था। हालांकि लगातार जब सोशल मीडिया पर टीवी चैनलों पर लड़कियां महिलाएं इस घटना को लेकर के काफ़ी विरोध जता रही थी, ऐसी ही घटनाएं बक्सर में और समस्तीपुर में भी देखने को मिला, जहां महिला आयोग की सदस्य भी पहुंची थी, उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की थी और उसके बाद ही जिस जगह पर उस महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी उसी जगह पर चारों आरोपियों को ले जाया गया और जब ये पुलिस के रिवॉल्वर को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे इसी दौरान एनकाउंटर में चारों अपराधी मारे गए। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। राजभवन पटना की जांच टीम शुक्रवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंची। वहां करोड़ों की अनियमितताओं समेत गलत ढंग से नियुक्ति और प्रोन्नति के मामले की जाँच की गयी। टीम में राजभवन के अतिरिक्त सचिव विनय कुमार, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव एस सी झा और राजभवन के लॉ ऑफिसर आरबीएस परमार शामिल थे। जांच टीम विश्वविद्यालय जाने के बजाय कुलपति के आवास पर पहुंच गई। उसी परिसर में स्थित गेस्ट हाउस के बंद कमरे में कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा, प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह और शिकायतकर्ता पंकज कुमार को बुलाकर बारी बारी से पूछताछ की। जांच टीम ने मामलों को से संबंधित फाइलों को भी मंगवाकर उसे खंगाला। हालांकि जांच टीम के सदस्यों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और किसी तरह की जानकारी शेयर नहीं की।
शिकायतकर्ता छात्र पंकज कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय में करोड़ों की राशि की अनियमितता हुई है, डाटा सेंटर में अवैध भुगतान किया गया है, कर्मियों को अवैध ढंग से प्रमोशन देकर बिना राज्यादेश के भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि ऐसे 15 बिंदुओं पर राजभवन, मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में करीब 1.5 साल पहले शिकायत की थी। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इसी की जांच के लिए राजभवन की ओर से गठित 3 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर उसकी जांच की। जांच टीम ने नहीं दी कोई जानकारी। जांच टीम के सामने उपस्थित रहे प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह से जब पत्रकारों ने मामले की जांच मांगी तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा कि राजभवन की टीम आई है तो उसका सहयोग विश्वविद्यालय कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने कहा कि वे जांच टीम के सामने उपस्थित हुए थे, जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था उन्हें पहले ही अपना जवाब लिखकर दे दिया गया था। ऑफिशियल सूचना हमको नहीं है कि टीम कहां से आई है, क्या है, सहयोग कर रही है। हाँ, तो विश्वविद्यालय कोई आएगा राजभवन से सहयोग करेगा। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। जदयू कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल लाइब्रेरी स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। बाबा साहब का आज पुनर्निर्माण दिवस था, हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हमारे जनता दल यू के साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर के अध्यक्ष दीदार हुसैन, पूर्व नगर के अध्यक्ष और अभी वर्तमान में पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य दीदार हुसैन चांद साहब, विधानसभा के प्रभारी झंझारपुर के विधानसभा प्रभारी, दरभंगा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राम जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब अख्तर साहब, कलाम साहब ने मिलकर हम लोगों ने नगर जनता दल यूनाइटेड के साथियों के साथ बाबा साहब का आज पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हम लोग अपने उनके पद चिन्हों पर चढ़ने के लिए, हम लोगों ने आत्मसात के लिए आज संकल्पित होने का संविधान सभा के निर्माण ड्राफ्टिंग कमेटी के निर्माणकर्ता, जिस देश के संविधान को जो बनाने के काम किए, जिस पर आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व आज भारत को गर्व के साथ कहता है कि बाबा साहब नहीं होते तो आज संविधान का निर्माण नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के आज सभी कार्यकर्ता हम लोग एकत्रित हुए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम संविधान से भी जानते हैं और आज के इस दिवस को महापरिवाहन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जब जब देश में हम लोग देखते हैं कि संविधान की बात आती है या किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग बोलते हैं तो एक देश की आज़ादी से लेकर के देश को अभी लोकतांत्रिक बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था। यही कारण था कि काफ़ी सरकारें उनके जाने के बाद भी उनको याद करती है, अभी तक हम लोग उनको याद करते हैं और उनका जो भी 22वीं मेहता समाज की ओर से भी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई अंबेडकर चौक पर। सेना ही बढ़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे। वैसे परिवार में जब भारत उस वक्त भारत में दलितों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था, तो निश्चित रूप से मेरा यह अनुमान बन सकता है। मेरा 300 से सबसे पहले उन्होंने कहा कि दलित वंचित अल्पसंख्यक और हमारे समाज के अन्य वर्ग के लोग, आपको जीने के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है। और शिक्षा आपके पास अगर आता है, शिक्षित अगर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका अगला अधिकार और समाज में ऊपर उठकर एक देश का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। वीरेंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका है? जाएं श्री विश्वदानंद हॉस्पिटल और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाए लाभ, उत्तर बिहार का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बेहतर चिकित्सा हेतु उपलब्ध सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा, सुषमा शिखा, रामजी ठाकुर, मनीष कुमार, ईदगाह रोड बेता के निकट महारानी कल्याणी कॉलेज एवं नागेंद्र झा महिला कॉलेज। मोबाइल नंबर 9135915838 9437122570। बाबरी मस्जिद के शहादत दिवस के अवसर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रदर्शन रैली निकाला गया मदरसा हमीदिया किला घाट से। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को हमारी बाबरी मस्जिद को आरएसएस के गुंडों ने शहीद किया था। वहीं इन्होंने मांग से संबंधित डीएम को स्मार पत्र सुपुर्द किया। सेल सर्विस स्पेयर्स सिटी सारथी ऑटोमोबाइल्स सूजस इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सुपर डीलर ई रिक्शा, ई स्कूटी, ई लोडर, कम कागजी कार्रवाई, फाइनेंस की सुविधा, दमदार बॉडी, चेचिस और स्पेंसन, पावरफुल ब्रेक्स, फुल कैनोपी जो बारिश और धूप से बचाए, दमदार बैटरी हमेशा आपके साथ, सड़क का बादशाह सिटी सारथी ऑटोमोबाइल्स। मोबाइल नंबर 9473105857 7295035313। वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले की ओर से भी बाबरी मस्जिद शहादत दिवस पर रैली निकाली गई। भीम लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद के हत्यारे को सजा देना होगा। पर है सांप्रदायिकता विरोधी मार्च है। हम लोगों ने इस मार्च के माध्यम से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला आई है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले अपराधी है, अपराध कृत काम किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज़।